अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाया है और अभी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फाउंडेशन सबसे बेस्ट होता है, या आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप बीबी क्रीम यूज़ कर रहे होते हो फेस पे, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हो तो वो थोड़ी ही देर के बाद जो है आपकी बेस जो है वो फटना शुरू हो जाती है और आपका मेकअप बहुत डल सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। सो अभी आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी फाउंडेशन क्रीम बेस्ट होती है और जो आपके चेहरे पे फटती नहीं है और चेहरे के साथ ही मिक्स हो जाती है। सो इसके लिए आपने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, ठीक है? सो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी यह है कि मैं आपको लगा के दिखाऊंगी अपने फेस पर कि आप खुद देख सकेंगे कि कौन सी बेस्ट होती है और कौन सी लोकल वाली होती हैं जो हम कभी बास टाइम परचेज कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ख़राब हो रही है, या फिर उससे मेकअप फट रहा है, आपकी बेस सारी ख़राब हो जाती है। सो आपने मेरे ब्लॉग को मुकम्मल देखना है। चलें वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चलें जी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ये दो किस्म के मैंने ले लिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें से कौन सा बेस्ट नहीं है और कौन सा बेस्ट है, ठीक है? तो इसमें जो बेस्ट नहीं है वो ये है, देखिए ये लोकल वालों का है, हुदा ब्यूटी वालों का वाइटनिंग फाउंडेशन क्रीम, ठीक है? तो ये चेहरे पे ना सही ब्लेंड नहीं होती, मतलब फट जाती है, ये लगाने से ना बेस खराब हो जाती है, बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। और ये है बेस्ट बेस्ट, ये मैं यूज़ करती हूँ, इसने फिट मी मेबली न्यूयॉर्क, ये मेबली न्यूयॉर्क का है फिट मी, और ये फाउंडेशन जो है ना मैट मैट पोरलेस है, यानी इससे ये होता है कि ये जब आप लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल स्किन के साथ ऑब्जर्व हो जाता है, वो इस तरह से मतलब फटता नहीं है और ना ही इससे बेस खराब होती है। इसके बाद ऊपर से आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दें तो ये बिल्कुल फेस के साथ ही ऑब्जर्व हो जाता है। सो अभी मैं आपको ये लगा के भी बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं गंदा वाला। आई मीन से दैट कि अभी आप देखेंगे कि ये किस तरह से ब्लेंड नहीं होता और किस तरह से ये स्किन का हशर नशर करता है। ये बिल्कुल लोकल है, लोकल चीज़ है ये बिल्कुल। ये मैं हाथ के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है? हाथ के साथ भी आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखें अब भी सही है, मेरी स्किन के साथ ना सही से ऑब्जर्व नहीं हुआ है, अभी कैमरा में ना सही से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कहीं कहीं से ठीक लगा, कहीं कहीं से ये बिल्कुल साथ स्किन के साथ ऑब्जर्व नहीं हुआ। ये देखिए आपको फील भी हो रहा होगा कि ये जो है सही से नहीं लगा, क्योंकि ये लोकल चीज़ है और लोकल चीज़ और दूसरी चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो ये है मेरा फेवरेट वन, दिस इज माय फेवरेट, ठीक है? मेबली न्यूयॉर्क का फिट मी पोरलेस मैट, ये आप देखेंगे। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी और अप्लाई करके आपको दोनों का दिखाऊंगी, आप खुद डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट है। थोड़ा सा मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसके साथ आप यकीन करें कि मेरा मेकअप इतना बेस्ट रहता है ना। जो भी प्रेजेंटेशन में जो भी लिखा है वो तो निकल के आ रहा है।
मैंने इसको सारा जो है अप्लाई कर लिया है और अभी करते हैं इसको ब्लेंड। इसको सारा आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। So finally it's completed, it's done. और अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा क्लोज कैमरा करके, ये देखें ये है मेरा फेवरेट मेबलिन और ये है ये लोकल वाला। और आप देख सकते हैं कि ये शो भी हो रहा है कि कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया हुआ है और ये स्किन के साथ ना बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुआ। यहाँ से भी देखें और इस साइड से भी देखें, फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई लोकल चीज़ लगाई हुई है। सो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता बेस बनाने के लिए, और ये वाला सबसे बेस्ट है। आप भी ट्राई करें और आप भी देखेंगे कि इसके साथ कितनी अच्छी बेस बनती है। इसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये वाली लुक कितनी नीट आई है, ये वाली साइड। और यहाँ से क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया था इसलिए ये वाली सबसे बेस्ट आई है। और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ से साफ फर्क लग रहा है क्योंकि ये फटी फटी बेस लग रही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। पता नहीं मैंने किस लिए परचेज़ कर लिया था। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर योर लव, फॉर योर ग्रेट। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ और एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।